तो सर हमें जो है कल जो है एसडीएम साहब के ऑर्डर आए थे, हमें सियाँ पर लेडी चले गई उसका सर्च अभियान चलाना है आपने, तो हमें जैसे ही सूचना मिली हमने जो हमारे सिलेंडर थे उनको हमने रिफिलिंग किया और शाम को हम 10 बजे के करीब सुंदरनगर से निकल गया। फिर रात को चले हमारा यहाँ सुबह 6 बजे के करीब पहुँचे हम। 6 बजे के बाद फिर हमने खाना पुरान गिरा खाया, फिर उसके बाद हमारे PSC साहब मिले हमें और उसके बाद हमने जो जो स्पॉट है इधर जो लेडीज गई है भैया बता रहे भी ये यहाँ से गई है लेडीज आगे पीछे यहाँ देखी थी उसका, तो हमने यहाँ से सर्च ऑपरेशन चलाया और यहाँ हमने पूरा देखा नीचे चप्पा चप्पा देख लिया हमने पूरा, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, बोली तो पानी के भाव से आगे निकल गई है हमारे को लग रहा है ऐसे, और देख रहे हैं आगे भी कोशिश करेंगे हम, हमारे को तो ऐसा है भी चलो बॉडी मिलनी चाहिए माया है सुंदरनगर से तो चलो कुछ ना कुछ कामयाबी भी मिलनी चाहिए, पर इस पॉइंट पर है नहीं, बस अगले पॉइंट में देखते हैं क्या मिलता है उधर के लिए। बोली पिछले 3 दिनों से लगभग जो है हम सब लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी आज रावी नदी के किनारे जो है हम फिर से आज सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं। अब चंबा के अंदर जो है एक बेटी के किसी ने यहाँ पे हमें बताया कि बेटी ने छलांग लगाई और पानी के अंदर कोई लड़की गिरी है या कूदी है, तो ऐसे में हमारे भी ग्राम पंचायत कीड़ी के निवासी है स्थानीय, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी भी गायब है, तो किसी ने बताया कि यहाँ छलांग लगाई, उसी शक के आधार पर जो है, और उन्होंने बताया कि हमने देखी भी है, उसी शक पे आधार पे परसों जो है वो स्थानीय लोगों ने और परिवार ने मिलकर सर्च अभियान चलाया था और पिछले कल भी पूरा दिन खोज जो है लगे रहे, और खासकर पिछले कल फिर जैसे डी साहब से हमारी बात हुई तो प्रशासन की टीम भी मौके पे आई, हालांकि पहले उतने एक्टिव नहीं थे लेकिन बाद में फिर उन्होंने जैसे डी साहब ने आदेश हुए तो माननीय SDM साहब हमारे उन्होंने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिया है, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मौके पर टीम भेजी, पहले हमने जितना भी हो सकता था एक एक पत्थर तक चेक कर लिया, पूरी रावी नदी खंगाल ली, खुद मौके पर जाके बॉडी या कोई किसी तरह का कोई शरीर नहीं मिला है, तो उसके बाद फिर ड्रोन के माध्यम से भी हमने पूरी इसमें मेहनत करी है, ड्रोन के द्वारा भी खोजने की कोशिश करी है तब भी नहीं मिली, फिर मैं धन्यवाद एक बार फिर से ADM अपने DC साहब और SDM साहब का करना चाहूँगा, उन्होंने सुंदरनगर से जो टीम मंगाई है गोताखोर की और वो अभी पिछले 1 घंटे से लगभग जो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो जहां पे हमें बताया गया था कि स्पॉट पे जो है सुसाइड किया है तो वो पूरी जगह खंगाल ली है, वहां पे किसी तरह का जो है अभी कुछ ऐसा सुराग बरामद हुआ नहीं है, नेक्स्ट अभी सर्च अभियान जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि हम सबका प्रयास यही है कि जो है बॉडी मिल जाए, और अभी तक ये नहीं कह सकते कि वही है या कोई दूसरी है, जब मिलेगी तभी बोल सकते हैं, परंतु ये है कि किसी ने देखा था तो उसी आधार पर हमने जो इसकी खोज शुरू की, और मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशासन का, अभी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से और ईमानदारी से लगे, और टीम जो सुंदरनगर से आई उन्होंने भी पूरी ईमानदारी से जो शुरुआत करी है वो ईमानदारी से करी है, इन्होंने बोला कि आगे भी हम जा जो सपोर्ट आप बताएंगे हम सभी जगह चेक करेंगे।